Hey foodsies, welcome to my channel Food Zenium. जैसे कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव सीजन आ चुका है, तो क्यों ना एक अच्छा सा स्नैक बनाया जाए जो सबको बहुत पसंद आएगा। कॉकटेल समोसास, आइए शुरू करते हैं। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम समोसे का डो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए लेंगे 1.5 कप मैदा, 1/2 कप आटा, 1/2 टीस्पून कैरम सीड्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑयल अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि जब इसको मुट्ठी में बांधेंगे तो ये बंध जाएगा। इसका मतलब कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बनती है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हम थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इसका डो रेडी कर लेंगे। डो को हमें टाइट गूंदना है। डो हमने बिल्कुल टाइट गूंद लिया है। अब इसको गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं कम से कम 20 मिनट्स के लिए। तब तक हम अपनी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन को हाई फ्लेम पे ऑन करेंगे और इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे। इसको गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 2 ही में इसमें डालेंगे 2 ग्रीन चिली, थोड़ी सी जिंजर, तो सॉटे करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रोजन मटर, आप चाहे तो फ्रेश मटर भी ले सकते हैं। अब इसमें ऐड करूंगी 2 पोटैटोस, इसको मैंने बॉईल करके रखा है और मैश कर दिया है। पोटैटोस में इसलिए डाल रही हूं ताकि अच्छे से बाइंड कर देंगे। अब इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून आमचूर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, तो अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने आलू कम डाला है क्योंकि मुझे सिर्फ आलू बाइंडिंग के लिए चाहिए था। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे मिक्स करेंगे और हमारा जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको ठंडा होने देंगे। अब हम अपने समोसे रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा आटा लेंगे, उसकी ऐसे एक बॉल बनाएंगे। इसको बेल लेंगे। हल्का सा ऑयल अप्लाई करेंगे ताकि इसको अच्छे से बेल पाए। इसको अच्छे से बेल लिया है। अब बीच में कट लगाएंगे।
साइड पे वाटर अप्लाई करेंगे कॉर्नर्स पे। और इसको एक कोन की शेप दे देंगे। अब इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। और उसको सील कर देंगे ऊपर से। इसी तरह हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम समोसे फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब मीडियम फ्लेम पे हम इन समोसों को तलेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। एक एक करके इनको ऐड कर देंगे। अब हम इनको ब्राउन होने तक तलेंगे। और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक सिंगल फ्राई करके इसको ठंडा करके आप इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, जिपलॉक पाउच में या किसी कंटेनर में, एयरटाइट कंटेनर में, और आपको जब भी इसको खाने हो आप उसको उस टाइम फ्राई करके खा सकते हैं। समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। इनको मैंने मीडियम टू स्लो फ्लेम पे ही तला है ताकि ये क्रिस्प रहें। अब इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारे समोसे कितने अच्छे बने हैं। ऐसे ही सारे समोसे हम फ्राई कर लेंगे। हमारे समोसे रेडी हो गए हैं। बहुत ही क्रिस्प समोसे बने हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें।